morning students and welcome to Regional Ideal School. Students, today I am going to explain you EVS chapter 11, that is learn about cooking for class 3. So before starting, I request all the students to open this chapter and keep in front of you so that you can understand the chapter more easily. So students, in this chapter we are going to study the process of cooking and the fuel and the vessel used during the cooking. So students, let's start. Cooking is the process that makes the food tasty, soft and easy to digest. Students, cooking एक ऐसा process है, खाना पकाना एक ऐसा process के जिसके द्वारा food जो है हम लोगों का soft हो जाता है, tasty हो जाता है और साथ ही साथ digest means पचाने के लिए भी बहुत आसान दायक हो बन जाता है. Some of the foods can be eaten raw and some need to be cooked. Students, कुछ food ऐसे होते हैं जिनको हम लोग raw form में means कच्चा जो है वो खा सकते हैं. कुछ food ऐसे होते हैं जो हम लोगों को उनको cook करने की जरूरत पड़ती है. So now I'm going to explain you the benefits of cooking. Cooked food becomes softer and hence easy to eat. Students, cooked food, जब भी हम लोग खाना को जो है वो cook पका लेते हैं तो वो खाना क्या हो जाता है, soft हो जाता है और हम लोगों के लिए चबाने खाने के लिए भी बहुत helpful हो जाता है, easier हो जाता है. Cooked food is easy to digest. जब भी जो है हम लोग food को जो है वो cook कर देते हैं, पका देते हैं तो वो हम लोगों के लिए digest करने के लिए भी बहुत easier हो जाता है. Cooking makes the food tastier. खाना जो पका हुआ रहता है उसका टेस्ट भी जो है बहुत अच्छा हो जाता है. कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. कुकिंग जो क्या करता है, जो खाने में जो जर्म्स रहते हैं उसको जो है वो खत्म कर देता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वेसल्स यूज्ड ड्यूरिंग द कुकिंग. वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स फॉर कुकिंग. स्टूडेंट्स, हम लोग जब कुकिंग करते हैं तो बहुत तरह के यूटेंसिल्स बर्तन का जो है वो यूज करते हैं. दिस वेसल्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस. और ये इसका जो है वो शेप्स और साइजेस जो है वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. सम वेसल्स आर डीप, सम आर फ्लैट, सम हैव लिड्स एंड अदर्स आर किप्ड ओपन. स्टूडेंट्स, कुछ यूटेंसिल्स जो होते हैं वो डीप मीन्स गहरे होते हैं, कुछ जो है वो फ्लैट होते हैं, किसी का कवर होता है, ढकना होता है, किसी का जो है वो ढक्कन नहीं होता है. वी मोस्टली यूज द वेसल मेड अप ऑफ स्टील. हम लोग ज्यादातर जो है वो कंटेनर यूटेंसिल जो है जो आपका स्टील से बना हुआ रहता है उसका यूज करते हैं. अर्लियर पीपल यूज टू कुक फूड इन द वेसल मेड अप ऑफ ब्रास, आयरन, क्ले एंड कॉपर. स्टूडेंट्स, हेंस पहले के समय में जो है जिस बर्तन का यूज किया जाता था खाना बनाने के लिए वो था ब्रास, आयरन, क्ले और कॉपर. इन्हीं सब जो है मेटल्स से जो बने हुए जो यूटेंसिल्स रहते थे उन्हीं का यूज किया जाता था. इवन टुडे इन सम विलेजेस पीपल यूज ब्रास एंड क्ले पॉट्स टू कुक फूड. स्टूडेंट्स, अभी भी भारतवर्ष में कुछ ऐसे जगह है जहां पर जो है वो क्ले और ब्रास का जो है वो यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए. कुकिंग कैन बी डन इन डिफरेंट वे. स्टूडेंट्स, कुकिंग जो है वो खाना जो है वो कई तरह से जो है बनाया जा सकता है. सम बेसिक मेथड्स ऑफ कुकिंग आर. कुछ जो है बेसिक स्टेप जो है मेथड जो है वो मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ. द फर्स्ट वन इज फ्राइंग. सम फूड्स आर कुक्ड इन हॉट ऑयल. स्टूडेंट्स, कुछ फूड जो है वो हॉट ऑयल में जो है वो पकाए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्राइंग. इसी को ही हम लोग फ्राइंग कहते हैं, मीन्स तलना. पकौड़ास, कटलेट्स, पूरी एक्सेट्रा आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फ्राइंग. स्टूडेंट्स, ये सब जो है कटलेट्स हुआ, पकौड़ा हुआ, पूरी क्या होते हैं, हम लोग तेल में जो है वो तल के फ्राई करके निकालते हैं, इसीलिए ये इस तरह के खाना को हम लोग फ्राइंग कहते हैं. नेक्स्ट वन इज रोस्टिंग. कुकिंग फूड ओवर डायरेक्ट हीट और इन ओवन इज कॉल्ड रोस्टिंग. स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम लोग फूड को जो है वो डायरेक्ट आग पर पकाते हैं या फिर ओवन में जो है वो बनाते हैं, ऐसे फूड को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं. नो लिक्विड इज यूज्ड इन रोस्टिंग. जब भी रोस्टिंग प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का लिक्विड्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं. चपाटीज, मीट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा रोस्टेड. कुछ खाना जो रोस्ट करके पकाया जाता है उसमें से है चपाटीज, आपका मीट और जो है ग्राउंडनट मीन्स बादाम. नाउ नेक्स्ट इज बॉइलिंग. इन बॉइलिंग फूड इज पुट इन वाटर एंड इज अलाउड टू हीट अप अंटिल इट बॉइल्स. फ्रेंड्स, हेंस बॉइलिंग में क्या होता है, खाना को जो है वो पानी में जो है वो रखा जाता है और कुछ देर के लिए जो है उसको उबाला जाता है जब तक वो
पक ना जाए. राइस इज कुक्ड बाय बॉइलिंग. ये जो चावल जो हम लोग खाते हो क्या होता है, पानी में हम लोग हीट अप करके उसको उबाल के जो है वो बनाते हैं. दैट मीन्स ये जो प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं. वी ईट बॉइल्ड ग्राम्स पोटैटो स्वीट वाटर. हम लोग जो है वो उबाल के किस तरह के खाने को खाते हैं, ग्राम्स हुआ, पोटैटोज हुआ, स्वीट पोटैटोज, ये सब जो है हम लोग उबाल के जो है बॉइल करके खाते हैं. नेक्स्ट वन इज बेकिंग. In baking, food is cooked in an oven without using extra liquid or fat. Student, baking में जो है हम लोग अपना खाना जो है वो oven में बनाते हैं, और इसमें जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है fat या फिर oil का जो है use नहीं किया जाता है. Cake and bread are baked. Student, जो हम लोग केक और ब्रेड जो यूज करते हैं वो बेक्ड किया हुआ होता है. लास्ट वन इज स्टीमिंग. स्टीमिंग मीन्स टू कुक फूड इन स्टीम. स्टूडेंट, जो खाना को हम लोग स्टीम मीन्स भाप में जो बनाते हैं उसे हम लोग स्टीमिंग कहते हैं. दिस फूड इज नॉट नीड टू पुट इन वाटर. इस तरह के फूड को जो है वो पानी में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये भाप से ही क्या होता है, पक जाते हैं. इडली, ढोकला एंड मोमोज आर कुक्ड बाय स्टीमिंग. स्टूडेंट, कुछ खाना जैसे क्या, इडली, ढोकला और मोमोज जो हम लोग खाते हैं, ये सब जो है वो स्टीमिंग करके बनाया जाता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फ्यूल एंड फायर हैव यूज्ड ड्यूरिंग द कुकिंग. डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स टू पुट फायर फॉर कुकिंग फूड. स्टूडेंट्स, पीपल जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो स्टोव्स का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए. इन विलेज पीपल यूज चूल्हा. जो गांव में जो है वो चूल्हा का यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए. द फ्यूल यूज टू पुट फायर इन दिस काइंड ऑफ स्टोव्स आर काउडंग एंड वुड. स्टूडेंट्स, ये चूल्हा जो है वो जलाने के लिए जो है किस तरह के फ्यूल का यूज करते हैं हम लोग, काउडंग और आपका वुड का. पीपल लिविंग इन सिटीज मोस्टली यूज गैस स्टोव्स. मगर जो पीपल जो है वो सिटी शहरों में रहते हैं वो लोग जो है खाना पकाने के लिए गैस स्टोव्स का यूज करते हैं. द गैस यूज इन दिस काइंड ऑफ स्टोव्स इज कॉल्ड एलपीजी. स्टूडेंट्स, और गैस स्टोव में जो आपका फ्यूल का यूज किया जाता है उसको हम लोग एलपीजी कहते हैं. इट इज इजिली अवेलेबल गैस. एलपीजी जो है वो हम लोगों को बहुत इजी वे में जो है वो अवेलेबल मीन्स मिल जाता है. सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर थोरली, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज प्लीज कमेंट ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. टिल देन स्टे होम, स्टे कनेक्टेड विद अस.